अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस सब लोग ठीक हुए हैं? दिस इज निशा नामकुल। तो आज आपको रमजान का बहुत मुबारक हो। और मैं सबसे पहले स्वीट पोटैटो को अच्छे से वॉश कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी क्या बनाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ऐसे भी ये पूरे जब बॉयल हो जाए अच्छे से तो हम इसको जो है पिल ऑफ करेंगे। पिल ऑफ करने के बाद तो हमने इसे पिल ऑफ कर देंगे, फिर देन उसके बाद हम इसको कट करेंगे। और इसकी कटिंग होने के बाद आप इस मर्जी है गोल का वैसे काटें और छोटे छोटे पीस काटें, वो आप पर डिपेंड है। तो ये हमने कटिंग अच्छी कर ली है और इसको एक बॉल में निकाल लिया है। और ये बहुत चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा रमज़ान में इस। और आजकल तो अभी तक ये स्वीट पोटैटो आ रहे हैं तो मज़ा करें, इसके बाद इंजॉय करें। तो हमने सबसे पहले शुगर ऐड करी है इसके अंदर, और मैंने इमली का पल्प लिया है, इमली को अच्छे से भिगो दिया था, उसका पल्प निकाल लिया और इसके अंदर मैंने इमली का पल्प ऐड करा है। देन इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। ये सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, जब ये चीनी वगैरह मिक्स हो जाएगी अच्छे से तो वन बाय वन हम जो है ना स्वीट पोटैटो रखेंगे, उसके बाद इसकी लेयर लगाएंगे जो मैंने इमली का पल्प वगैरह बनाया है, इसके जो सॉस है बनाया। तो इसी तरह हम वन बाय वन लगाएंगे। और बहुत चटपटी सी ये स्वीट पोटैटो बनते हैं, बहुत मज़े की होती है, खट्टी मीठी सी। तो आप लोग इस रमज़ान इसको ज़रूर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे नहीं पता आप लोगों ने खाई है या नहीं खाई इस तरह की। तो ये मैंने आपके साथ छोटी सी रेसिपी थी जो मैंने झटपट आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो आप कर दें और बेल आइकॉन भी डन कर दें। इसी तरह मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी क्या क्या हमारे घर पर बनता है वो सब। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत मज़े की चटपटी थी ये रेसिपी थी, तो जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है अपना, आप लोग अपना इंजॉय करें रोज़ा। और आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अपने दुआ मुझे याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हाफिज़, बाय।